चीफ नसरल्लाह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि वो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी बेड़े को डुबो देंगे और अमेरिका के लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर देंगे। नसरल्लाह ने कहा कि इस जंग की कीमत अमेरिका को अपने जवानों की जान से चुकानी पड़ेगी। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला, इसके बाद हूथी और अब इसराइल से भिड़ने के लिए लेबनान पहुंच चुकी है बेहद खतरनाक और एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड। इसराइल के सैनिक 24 घंटे हर सेकंड आंखों में तेल डालकर इसराइल और लेबनान की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इसराइल को एक बड़ी खबर मिली है। यह खबर नेतन्याहू के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को सीरिया से लेबनान में शिफ्ट किया जा चुका है और लेबनान के अंदर इस वक्त इमाम हुसैन ब्रिगेड को मौजूद बताया जा रहा है। ये दावा इसराइल डिफेंस फोर्स के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि हाल के हफ्तों में इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के बुरी तरह से फेल होने के बाद अब इमाम हुसैन ब्रिगेड सीरिया से लेबनान आ गई है और इसका लीडर जुल्फिकार है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को भी ईरान फंड करता है और दावा यह किया जाता है कि यह इमाम हुसैन ब्रिगेड ईरान के सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को रिपोर्ट करती है। इमाम हुसैन ब्रिगेड का सीधे लेबनान में पहुंचना गुरुवार को लेबनान से एक बार में लगातार 19 हमले और फिर शुक्रवार को हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला की फायर ब्रांड स्पीच से साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा बढ़ गया है। الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि गाजा पट्टी को क्रॉस करके इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्ला ने एक साथ इसराइल पर हमला किया तो इनको रोकना इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40,000 से 50,000 के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1,00,000 से ज्यादा है। इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6,00,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसराइल के पास 4 गुना ताकत है। लेकिन हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला से फिर भी अमेरिका घबराता है क्योंकि नसरुल्ला के पास अपने ओजस्वी भाषणों के जरिए बड़ा संगठन खड़ा करने की और सैनिकों में जोश भरने की अद्भुत क्षमता है। अमलियातुल मुकावमा फिल जनूब व दिमाउ शुहदाइना व शुहदाइकुम फिल जनूब तकूल लिहादा अल अदू अल्लजी कद युफक्कर बिल इअतिदा अला लबनान औ बिकियामी बिअमलिया इस्तिबाकिया बितिजा लबनान أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के पास एक ट्रेंड सेना है जिस पर विजय पाना हमास से भी ज़्यादा कठिन काम है। हिजबुल्ला के पास हथियारों का विशाल भंडार है। हिजबुल्ला के पास गाइडेड मिसाइलें भी हैं जो इसराइल के अंदर तक मार कर सकती हैं। और उधर भीषण जंग के बीच इसराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार निशाना बना रही है और इसी कड़ी में इसराइल की ओर से वहां ग्राउंड ऑपरेशन करने के कुछ वीडियो भी जारी कर दिए गए जिसमें इसराइल की फौज हमास के अड्डों पर टैंक के गोले दागती नजर आई
जबकि कुछ सैनिक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। इसराइल की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले के कई वीडियो जारी किए, जिसमें हमास के बड़े ठिकानों पर रॉकेट दागकर उन्हें पूरी तरह तबाह करते हुए दिखाया गया। जबकि दूसरे वीडियो में तो सैनिक उनके छोटे अड्डों को भी नेस्तनाबूद करते दिखाई दिए। इसके अलावा वहां इसराइल की ओर से बुलडोजर चलाकर भी कई इमारतें ढहा दी गई।